हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 11th अकाउंटेंसी में हम प्रीवियस लेक्चर तक डिप्रिसिएशन वाला टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक, और ये टॉपिक जो है इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 11th अकाउंटेंसी, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोपरेटर, सोल प्रोपरेटर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोपरेटर वाला टॉपिक है ना, ये दो पार्ट्स के अंदर क्लासिफाइड है। एक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट और एक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। तो पहले हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट पर डिस्कशन करेंगे, और ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट का फर्स्ट लेक्चर है। तो इसके अंदर हम बेसिक्स, इसके बेसिक कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते क्या है, क्यों बनते हैं, क्या क्या इसकी इक्वेशंस होती हैं, और कौन कौन से इसके एक्चुअली पार्ट्स होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रिपरेशन जो होता है, ये समराइजिंग की प्रोसेस के अंदर आता है। आपने स्टार्टिंग से प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा होगा, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि भाई हम सबसे पहले क्या करते हैं, वी यूज टू व्हाट, आइडेंटिफाइंग करते हैं, आइडेंटिफाइंग के बाद फिर हम करते हैं मेजरिंग, मेजरिंग के बाद फिर हमारी स्टार्टिंग होती है किस चीज की, रिकॉर्डिंग की, रिकॉर्डिंग से फिर हम जाते हैं किस पर, क्लासिफाइंग पर, और क्लासिफाइंग से हम जाते हैं किस पर, समराइजिंग, और समराइजिंग के बाद फिर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एंड फाइनली व्हाट, कम्युनिकेशन विद द ओनर। ये सब का सब हमने उसमें पढ़ रखा था। ठीक है, अब आइडेंटिफाइंग के अंदर आप क्या करते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको उसको हम मेजर करते हैं मनी के फॉर्म में, और उसके बाद फिर हम रिकॉर्डिंग करते हैं, और रिकॉर्डिंग जो होती है दैट इज डन इन व्हाट, प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट। और प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट कौन कौन सी होती है, एक होती है जर्नल और एक होती है लेजर, तो सॉरी जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स। ये कौन कौन सी होंगी, जर्नल और सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके। दूसरा, उसके बाद फिर क्लासिफाइंग होती है, इन्हीं से क्लासिफाई करते हैं, और क्लासिफाइंग इज डन इन व्हाट, सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट, और सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट कौन सी होती है, लेजर्स। ठीक है, अब होता प्रॉब्लम ये है कि यहां तक, अच्छा यहां तक जो आपने पढ़ा ये सब जो था किसका पार्ट था, ऑल दीज वॉज द पार्ट ऑफ बुक कीपिंग, ये किसका, बुक कीपिंग का पार्ट था। प्रॉब्लम ये होती है कि जर्नल और लेजर होते हैं बहुत ज्यादा एलाबोरेटेड होते हैं, क्योंकि ये जर्नल एंट्री, भाई जर्नल जितना एलाबोरेटेड होगा लेजर भी अकॉर्डिंगली एलाबोरेटेड होगा। जर्नल एंट्री डिपेंड करती है नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पे, अगर आपके बिजनेस में वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा है, तो जर्नल बहुत ज्यादा एलाबोरेटेड हो जाती है, और जितनी एलाबोरेटेड जर्नल उतना एलाबोरेटेड लेजर। अब प्रॉब्लम ये आती है, यहां से हमारा कंसेप्ट आता है समराइजिंग का। हमें क्या करना पड़ता है, इतने एलाबोरेटेड डेटा को से दो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, पहली कि ये जो डेटा है ये प्रेजेंटेबल नहीं है, तो उसको प्रेजेंटेबल बनाने के लिए वी नीड व्हाट, समराइज्ड स्टेटमेंट। हमें क्या चाहिए होता है, समराइज्ड स्टेटमेंट होता है। प्रेजेंटेबल क्या, दुनिया के सामने आपको अपने अकाउंट्स को प्रेजेंट करना है, जैसे कंपनीज होती हैं, कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट करती है, अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट के लिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सबके सामने दिखाती है। अब वो जर्नल लेजर तो शो कर नहीं सकती, इतना एलाबोरेटेड स्टेटमेंट और इतना कंफ्यूजिंग, कैसे वो लोगों के सामने शो करेंगे। या चलिए कंपनी की बात छोड़े, आप ही अपने बिजनेस के लिए कहीं पर बैंक से लोन लेने जाते हैं, जब आप लोन लेने जाते हैं वो आपसे बोलेगा भाई हमें आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन देखनी है, तो फाइनेंशियल पोजीशन के लिए आप उसको जर्नल लेजर थोड़ी देंगे, वो मैनेजर बोलेगा मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं आपके फाइनेंशियल एक एक जर्नल और लेजर को उठाकर देखूं, बोले आप तो मुझे इसका कोई समराइज रिपोर्ट ला करके दीजिए। समराइज मीन्स पूरे ईयर का डेटा जितना ज्यादा से ज्यादा समराइज आप कर सकते हैं, उतना मैक्सिमम एक्सटेंट तक आप उसको समराइज करके मुझे ला कर दें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी यूज टू प्रिपेयर समराइज स्टेटमेंट, और वो समराइज स्टेटमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो जाता है। ठीक है, तो पहला हो गया कि प्रेजेंटेबल नहीं होता, उसके लिए हमें समराइज स्टेटमेंट चाहिए। दूसरा ये होता है हमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी होती है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मीनिंग होता है भाई हमने बिजनेस किया, यूजुअली हमारी अकाउंटिंग साइकिल, और अकाउंटिंग साइकिल हर 12 मंथ्स के अंदर क्लोज हो जाती है। मैं भी आऊंगा उसके ऊपर, इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा, हर 12 मंथ्स के अंदर क्लोज होती है, और हमें यह मालूम करना होता है कि इस 12 मंथ में मैंने जो बिजनेस एक्टिविटी की, उस बिजनेस एक्टिविटी से मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और मेरा बिजनेस आज कहां स्टैंड करता है, मेरे पास कितनी असेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज है। मुझे दो चीजें मालूम करनी है, एक मेरे बिजनेस का परफॉर्मेंस पूरे एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम का, और एक मेरे बिजनेस की स्टैंडिंग पोजीशन कि मेरा बिजनेस आज कहां पर स्टैंड करता है। तो ये सब चीजें मैं जर्नल लेजर से मालूम नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सारे डेटा का समराइजिंग करना पड़ेगी और एक समराइज स्टेटमेंट बना करके आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो दूसरा होता है फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए।
हैं। उसके अलावा और भी रीजंस होते हैं, वो आपके बिजनेस में इस फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर जिस तरह से आपके बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड आपकी एग्जाम में आपकी क्लास का रिपोर्ट कार्ड होता है, ऐसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड होता है। इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कुछ लोग क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं। जैसे आपकी फाइनल एग्जाम्स होती है ना, जो ये डिसाइड करती है कि आपकी पोजीशन आप कहां क्लास के अंदर स्टैंड करते हैं, ऐसे ही इसको भी फाइनल अकाउंट्स भी बोला जाता है। और कॉमनली यूज तो नेम उसका फाइनल अकाउंट्स ही होता है, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के पीछे पर्पस क्या, कि यहां तक का बहुत ही एलाबोरेटेड होता है जो बुक कीपिंग के अंदर रखते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे डेटा को समराइज करते हैं प्रेजेंटेबल बनाने के लिए और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से फिर आगे की प्रोसेस अकाउंट्स के अंदर स्टार्ट होती है। तो ये हमारा पर्पस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने का, ठीक है। दो रीजंस मैंने आपको बताए। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चलिए जी प्रिपेयर तो कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते किसे, देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर होता क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के पीछे कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में सबसे पहला तो हमारा कौन सा प्रिंसिपल एप्लीकेबल है इसमें, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या बोलता है कि भाई आप जो बिजनेस में जितनी मेहनत कर रहे हैं, इस मेहनत का रिवॉर्ड तो चेक कर ले कि भाई आपने इस बिजनेस में जितनी मेहनत की है, जितना हार्डवर्क, जितना डिलीजेंस आपने उसमें दिया है, क्या उसका रिवॉर्ड आपको मिल भी रहा है पॉजिटिव सेंस में। प्रॉफिट लॉस, तो प्रॉफिट लॉस तो मालूम कर लीजिए। और प्रॉफिट लॉस को मालूम करने के लिए उन्होंने एक स्लॉट दिया फॉर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। बोले हर 12 मंथ में आप अपने बिजनेस का प्रॉफिट मालूम कर लो। जैसे आप हर 12 मंथ्स में अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, 12 मंथ्स में आपकी एक क्लास में आपका प्रमोशन हो जाता है नेक्स्ट ईयर में। हर चीज को दुनिया में 12 मंथ के इंटरवल में मेजर किया जाता है। तो बोले बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी 12 मंथ में क्लोज कर लो। हर 12 मंथ के बाद में आप अपने बिजनेस की पोजीशन और परफॉर्मेंस देख लो, जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल इसके ऊपर एप्लीकेबल है। इसके ऊपर एक है अपना गोइंग कंसर्न। चलिए गोइंग कंसर्न तो अपने छोड़ दे, इसके लिए एक होता है अपना द मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल का कंसेप्ट यहां ना एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको विद एडजस्टमेंट में एक्सप्लेन कर दूंगा, वहां पर ज्यादा ये एप्लीकेबल एक्चुअली होता है, ठीक है। तो हर 12 मंथ में हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हम हमारे पूरे अकाउंट्स का समराइज्ड स्टेटमेंट बनाते हैं, एंड दैट समराइज्ड स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आपके बिजनेस का मोड कैसा भी हो, अब आप सोल प्रोप्राइटर हैं तो आपको सोल प्रोप्राइटर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो प्रोफेशनल के भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेंगे। इनफैक्ट उसके अंदर सेट ऑफ अकाउंट्स इसके जैसे नहीं होते, थोड़े से चेंज हो जाते हैं, बट आपको उसके भी बनाना पड़ेंगे। अगर आप पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस है, मोड ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप फर्म है, तो भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने, और अगर आपका मोड ऑफ बिजनेस कंपनी है तो भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाना ही है, क्योंकि आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी है और फाइनेंशियल प्रेजेंटेशन आपको सबके सामने देना है, ठीक है। अब एक बात याद रखिएगा कि ये जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसमें सेट ऑफ स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा कि मुझे इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के पीछे पर्पस क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और रिपोर्ट मुझे दो चीजों की देनी है, मेरे बिजनेस के परफॉर्मेंस की और मेरे बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन की। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। परफॉर्मेंस, कैसा परफॉर्म किया, तो परफॉर्मेंस मालूम पड़ता है आपकी बिजनेस एक्टिविटी से, और बिजनेस एक्टिविटी आपकी सेल परचेज होती है, और सेल परचेज से आपका क्रिएट होता है प्रॉफिट और लॉस। अगर आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, इससे मालूम पड़ता है आपके बिजनेस का परफॉर्मेंस। अगर आपका बिजनेस एक अच्छा प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस है, तो मींस आपका बिजनेस अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, और अगर लॉस में है तो आपका बिजनेस पुअरली परफॉर्म कर रहा है। यहां से फिर आपका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन स्टार्ट होता है। फिर अगर आपका लॉस में, तो आप उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कीजिए। तो प्रॉफिट लॉस तो यहीं से मालूम पड़ेगा ना। तो पहला हमारा होता है परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस कैसे मालूम पड़ता है, बाय मेजरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। और पोजीशन मालूम पड़ती है कि आपकी आज मार्केट में वर्थ कितनी है, और वर्थ मालूम पड़ती है आपके बिजनेस की एसेट्स एंड लाइबिलिटीज से, ठीक है। तो दो चीजें हमें, दो रिपोर्टिंग हमको करनी है, दो हमारे पास स्टेटमेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए हमारे पास कौन सा होता है, इनकम स्टेटमेंट, और इसके लिए हमारे पास बनता है पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट को हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक है। और पोजीशन स्टेटमेंट को आसान जबान में बोला जाता है बैलेंस शीट। क्या बोल दी जाती है इसको, बैलेंस शीट।
ओके। अब याद रखिएगा कि इनकम स्टेटमेंट को जब हम अकाउंट फॉर्म में बनाते हैं, एक्चुअली क्या होता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है ना, इसमें सब्सटेंस ओवर फॉर्म का कंसेप्ट होता है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब होता है इसका प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए जो यूजर फ्रेंडली हो, जिस बंदे को मिल रहा है उसके लिए वो इजी हो और मैक्सिमम पॉसिबल इंफॉर्मेशन आप उसमें से दे सकें। अब होता क्या है कि आप इनकम स्टेटमेंट को दो तरह से बना सकते हैं, स्टेटमेंट फॉर्म में जो किसे बनता है, हमारा वर्टिकल बनता है अप टू डाउन, ठीक है, और एक बनता है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, जैसे हम लेजर्स बनाते हैं ना, लेजर्स बनाते हैं तो वो बनता है हमारा हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में। यूजुअली सोल प्रोप्राइटर के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनते हैं, और हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट के अंदर एक्सपेंसेस एक साइड आ जाते हैं, इनकम्स एक साइड आ जाती है, मींस दो साइड्स उसके अंदर चलती है, दो साइड तो उसमें भी चलेंगी लेकिन दो साइड इसमें चलती है, डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये हमारा किस फॉर्म में बनेगा, इन फॉर्म ऑफ अकाउंट्स। अगर हम इसको अकाउंट्स के फॉर्म में बनाते हैं तो इनकम स्टेटमेंट हमारा दो पार्ट्स में क्लासीफाई हो जाता है, एक बनता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट और सेकेंड बनता है हमारा व्हाट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट कौन सा होगा, ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड कौन सा होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, अच्छा मैंने क्या कहा, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस शो करने के लिए ही ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बन रहा है। ये भी एक प्रॉफिट शो करता है, ये भी एक प्रॉफिट शो करता है, ये शो करेगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, और ये शो करेगा हमारा फाइनल नेट प्रॉफिट। ये हमारा क्या शो करेगा, नेट प्रॉफिट शो करेगा। तो हमारे पास सेट ऑफ स्टेटमेंट्स में, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको क्या क्या बनाने हैं, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या फॉर्म भरना है, परफॉर्मेंस और पोजीशन। परफॉर्मेंस मालूम होता है परफॉर्मेंस स्टेटमेंट से, परफॉर्मेंस स्टेटमेंट क्या आपका इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के फॉर्म में बनता है तो वेल एंड गुड, अकाउंट्स के फॉर्म में बनता है तो उसमें एक अकाउंट बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड अकाउंट बनेगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट हमें ग्रॉस प्रॉफिट बताता है, एक्चुअल प्रॉफिट नहीं बताता, एक प्रॉफिट बताता है, क्या होता है मैं आपके आगे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ट्रेडिंग अकाउंट वाले केस में। प्रॉफिट एंड लॉस हमारा फाइनल प्रॉफिट बताता है कि ये इतना आपका फाइनल प्रॉफिट हुआ एज अ बिजनेसमैन, जिसको आप क्या कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद हमारी पोजिशन स्टेटमेंट बनती है बैलेंस शीट, और याद रखिएगा कि ये अकाउंट्स के फॉर्म में बनता है, ये अकाउंट्स है, बट बैलेंस शीट इटसेल्फ इज अ स्टेटमेंट। याद रखें हमेशा के बैलेंस शीट हमेशा क्या होती है, स्टेटमेंट होती है, याद रखिएगा। होता क्या है, कभी कभी आपसे 11 के वाइवा में पूछ लेते हैं हाउ मेनी अकाउंट्स आर प्रिपेयर व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो स्टूडेंट अक्सर फ्लुएंसी के अंदर या फट से रिप्लाई करने में 3 बोल देते हैं, 3 के अंदर फिर पूछा जाता है कि भाई कौन से, तो बोलता है ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ऐसा नहीं है, अकाउंट 2 ही बनेंगे, एक होता है ट्रेडिंग, सेकंड होता है प्रॉफिट एंड लॉस, एंड बैलेंस शीट इटसेल्फ इज अ स्टेटमेंट। मैंने अभी से क्या कहा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करती है विच शोज द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस, तो आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजिशन ये शो करेगी, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, इसके अंदर आगे की चीज अब मैं बताता हूं, तो क्या क्या बनता है इसके अंदर, ये मैंने आपको बता दिया, अब हम आगे बढ़ते हैं, बनता कैसे है। देखिए होगा क्या, मैंने अभी आपको क्या बताया, हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले ट्रांजेक्शन होता है, ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाइंग और मेजरिंग करने के बाद हम उसको कहां रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल एंड व्हाट, सब्सिडियरी बुक्स। सब्सिडियरी बुक्स के बाद वो हम पोस्ट कर देते हैं लेजर में, लेजर से वो पोस्ट होता है ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस से फिर वो जाता है किसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक बनता है हमारा प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट और दूसरी बनती है हमारी बैलेंस शीट। इसका मीनिंग ये हुआ कि ट्रांजेक्शन से जर्नल, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट मींस जर्नल का बेस हुआ ट्रांजेक्शन, बेस का मतलब कहां से जर्नल में एंट्री रिकॉर्ड आ रही है, फ्रॉम ट्रांजेक्शन। लेजर का बेस हुआ जर्नल, लेजर में एंट्री कहां से लाते हैं, जर्नल से। ट्रायल बैलेंस का बेस हुआ लेजर, या पढ़ चुके हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेस होगा ट्रायल बैलेंस। इट मींस आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन आएगा वो इन फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस आएगा। आपको एक ट्रायल बैलेंस देंगे, ट्रायल बैलेंस आपको आता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, एक स्पेसिफिक डे पर आपके सारे लेजर के बैलेंसेस को शो करता है, भाई जो भी छुपा है लेजर में ही है।
आपने जो भी ट्रांजेक्शन किया, अगर एक भी टर्मिनोलॉजी आपने यूज की तो उसने उसका आपने लेजर ओपन किया होगा, अकाउंट आप ओपन कर लेते हैं और वो लेजर बना है, मींस वो ट्रायल बैलेंस के अंदर आया है। और ट्रायल बैलेंस में क्या है, सबके बैलेंसेज है, बैलेंसेज है मींस सबकी समरी है प्लस माइनस करके। तो यहीं से ये ट्रायल बैलेंस जो होता है इट क्रिएट्स द बेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मींस जो आपको एग्जाम में क्या मींस जो क्वेश्चन आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, वो किस फॉर्म में आते हैं, इन फॉर्म ऑफ व्हाट, ट्रायल बैलेंस। आपको एक ट्रायल बैलेंस दे देगा और बोलेगा भाई प्रिपेयर अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय यूजिंग द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, आप उस ट्रायल बैलेंस से आप उसको बनाइए। अब इस ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या क्या मिलता है, देखिए इस ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको क्या मिलेंगे, परचेज मिलेगी, ठीक है, परचेज अकाउंट बना होगा, सेल्स मिलेगी आपको, अलग अलग एक्सपेंसेस मिलेंगे आपको, अलग अलग रेवेन्यूज जिसको हम इनकम मिलेंगी आपको, कुछ एसेट्स मिलेंगी और आपको कुछ क्या मिलेंगी, लाइबिलिटीज मिलेंगी, ठीक है। अब इसमें से परचेज, सेल्स, एक्सपेंस और इनकम ये तो उठकर चले जाएंगे किसमें, हमारे इनकम स्टेटमेंट में, असेट्स और लाइबिलिटीज होंगी ये उठकर चली जाएंगी हमारी बैलेंस शीट पे, ठीक है। अभी तो मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, आगे मैं आपको एक एक करके इन डिटेल इसको एक्सप्लेन वन बाय वन करता जाऊंगा। तो ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो। अच्छा एक बात और, ये जो हमारी अकाउंटिंग साइकिल होती है, ये अकाउंटिंग साइकिल अभी जैसे मैंने आपको बताया अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल से बनती है, और अकाउंटिंग पीरियड कितना होता है 12 मंथ्स का। तो यूजुअली जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं वो 12 मंथ्स पीरियड के लिए बनाए जाएंगे, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में जनरली 12 मंथ के पीरियड के लिए बनाए जाएंगे, और उसमें पूरे 12 मंथ्स का डेटा हमारे पास होगा, 12 मंथ साल की स्टार्टिंग, साल की एंडिंग, ठीक है। तो अगर आपका बिजनेस रनिंग है, देखिए अब इसमें खास खास टर्मिनोलॉजी में आपकी यहां पर यूज कर लू, अगर आपका रनिंग बिजनेस है तो आपको कुछ चीजें खास खास मिलेंगी, जो भी इंफॉर्मेशन होगी किसमें, आपकी ट्रायल बैलेंस में, तो ये इंफॉर्मेशन कितनी होगी फॉर 12 मंथ्स पीरियड, ठीक है। तो आपको खास खास जो इंफॉर्मेशन मिलेगी, एक तो मिलेगी आपको ओपनिंग इन्वेंटरी या ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या होगा, स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, बिगिनिंग ऑफ द 12 मंथ्स पीरियड। मान लो कि आपके ट्रायल बैलेंस हम लिखते थे ना एज एट 31st मार्च 2022 है, तो 31st मार्च 2022 है, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये ईयर जो है 31 मार्च 22 को खत्म हो रहा है, तो साल कब स्टार्ट हुआ होगा, 1 अप्रैल 21 को, तो ये जो स्टॉक है ये 1st अप्रैल 21 का होगा, ठीक है। उसके बाद फिर सारे एक्सपेंसेस होंगी, असेट्स लाइबिलिटीज होंगी ट्रायल बैलेंस के बाद में, फिर नीचे एक क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मली यूजुअली ट्रायल बैलेंस के बाहर मिलता है, क्यों ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं ट्रायल बैलेंस वाले चैप्टर के अंदर कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर क्यों लिखा जाता है। तो क्लोजिंग स्टॉक यहां पर मिल जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक मींस स्टॉक एज एट 31st मार्च 2022, जिस दिन ये ट्रायल बैलेंस बना, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आपने स्टॉक का वैल्यूएशन किया तो आपका कितना स्टॉक उसके अंदर कैलकुलेट हुआ, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको जब बनाना पड़ेंगे अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू, देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर आगे कैसे बढ़ेगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसमें इक्वेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इक्वेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जैसे नेट परचेसेस, नेट सेल्स, सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, व्हाट आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, व्हाट आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग, सब हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे इक्वेशंस। इन्हीं इक्वेशन से फिर हमारे बनेंगे डिफरेंट सेट ऑफ अकाउंट्स। सेट ऑफ अकाउंट्स में हमारे पास दो अकाउंट्स होंगे, एक अकाउंट होगा हमारा कौन सा, ट्रेडिंग अकाउंट, और दूसरा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट का कंसेप्ट क्या है, क्या फॉर्मेट है, कैसे बनता है, ये सब उस लेक्चर के अंदर लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट क्या, कैसे बनता है, क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सारा इसमें कवर करेंगे। और उसके बाद में फिर हमारी बनेगी लास्ट में क्या, हमारी बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या, कैसे बैलेंस शीट बनाई जाती है, ये भी हम उसके अंदर देखेंगे। और उसके बाद हमारा जो है कॉम्प्रेंसिव क्वेश्चन, मींस पूरा सेट, कॉम्प्रेंसिव का मतलब होता है पूरे सेट ऑफ अकाउंट, पूरा का पूरा, जैसे एक क्वेश्चन के अंदर पूरा ट्रायल बैलेंस आएगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको ट्रेडिंग भी प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस भी प्रिपेयर करना है, और बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है। तो एक ही क्वेश्चन का ट्रेडिंग, पी एंड एल और बैलेंस शीट किसे बनेगा, हम इसमें कवर करेंगे। यहां तक हमारा जो पार्ट होगा ये विदाउट एडजस्टमेंट का होगा, और उसके बाद फिर हमारा स्टार्ट होगा विद एडजस्टमेंट। Anyway, ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेसिक कंसेप्ट था। आई होप आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे के लेक्चर्स में हम आगे के और टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे।
दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी. थैंक यू.